मैडम जी, वो पूरे ऑफिस में हमने पेड़ पौधे लगा दिए हैं और सारी साफ सफाई भी कर दी है। ठीक है, तो जाओ फिर। वो पैसे कितने हुए? 5,000। 5,000? पागल हो गए हो क्या? 10 पौधों के 5,000 दूंगी क्या मैं? मैडम जी, सभी पौधे अलग अलग रेट के आए हैं और आप नर्सरी में जाके पता करेंगे तो वहाँ तो और महंगा है। चुप कर, तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं। अमीर लोग देखे नहीं आ गए पैसे लूटने। मैडम जी ऐसा मत बोलिए, हम आपसे उतना ही पैसा मांग रहे हैं जितने का हमने काम किया है। मैंने कहा ना बाद में दे दूंगी, जाओ यहाँ से। मैडम जी हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारे पैसे दे दीजिए, हमारा घर इन्हीं पैसों से चलता है। मैंने कहा ना बाद में दे दूंगी, निकलो। सर मैं कम हूँ। बोलो। सर सैलरी के बारे में बात करनी थी, अभी तक सिर्फ आधे ही आई है। हाँ वो बजट थोड़ा शॉर्ट चल रहा है, अभी थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगी। सर घर की EMI भी देनी है और बहुत सारे काम है, मैं कैसे मैनेज करूँगी सर? अरे तो मैं क्या करूँगी यार, पूरी सैलरी थोड़ी काटी है, एडजस्ट करो थोड़ा, आ जाएगी थोड़े टाइम में। सर आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारी मजबूरियाँ चल रही हैं एक साथ, नहीं हो पाएगा मैनेज। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला ना जितने दे सकते थे उतने दे दिए, लेना है तो लो वरना जॉब छोड़ दो। सर सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा तो अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बात को समझें, तुम्हारी दिक्कतों को समझें, और तुम्हारा क्या मतलब? सर अभी समझ जाओगे। केशव आप इसे जानती हो? मैडम जी वो हमारे पैसे दे देते, हम कुछ दिन पहले भी आए थे आपके ऑफिस में पर शायद आप थे नहीं, वो बहुत दिन हो गए हमारे पैसे दे देते। रुक ये ले। मैडम जी ये तो बस 3,000 ही है, बाकी के मेरे पास इतने ही थे, वो मैंने तुझे दे दिए, लेना है तो ले समझा, वरना जा यहाँ से। मैडम जी 1,000 का तो बस खाद आया था, बाकी पौधा पेड़ गमला इन सब का खर्च अलग हुआ था, अगर आपने पूरे पैसे नहीं दिए तो मालिक हमारे पगार में से काट लेगा। देखो एक बार में समझ नहीं आता ना, मैंने कहा ना जितने पैसे थे दे दिए, अब निकल और मेरा दिमाग मत खराब कर। मैडम जी मैडम जी। जब केशव ने तुमसे पैसे मांगे थे तुमने मना क्यों कर दिया? तुम्हें अपनी जेब से तो देने नहीं थे, कंपनी पे कर रही थी ना इस चीज के लिए। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, सब बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी मुझसे नहीं इससे मांगो। आई एम रियली सॉरी केशव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे अपने किए हुए पछतावा है केशव, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मैडम जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही बहुत है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ केशव, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं मैं अभी तुम्हें वापस देती हूँ। ठीक है मैडम जी, रियली सॉरी सर। गरिमा दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू, अगर तुमने दोबारा किसी के साथ ऐसा बिहेवियर किया या किसी का हक मारने की कोशिश करी तो तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन होगा, याद रखना मेरी बात। मैं नहीं करूंगी सर ऐसा। मांगो। तुम्हारे पैसे। आई एम रियली सॉरी केशव, मैंने तुम्हारे हक के पैसे मार लिए, मुझे समझ आ गया ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होगा अब से। शुक्रिया मैडम।